हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम वर्कशीट नंबर 161 करेंगे। क्लास फोर्थ की वर्कशीट है फॉर द डेट 4 फरवरी 2021। आपकी पाठ्यपुस्तक का नाम है रिमझिम। ओके, और ये जो आपकी वर्कशीट है ये है मुफ्त ही मुफ्त पार्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को एंड तक देखिए, और अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको सबसे अच्छा पार्ट इसका क्या लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वर्कशीट आज की। इधर आप अपना सेक्शन लिखेंगे, इधर अपना नाम, इधर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। बच्चों, पिछले कार्य पत्रिका में आपने भीखू भाई के बारे में जाना। आइए आज हम इस कहानी के माध्यम से कुछ नया सीखते हैं। नीचे पाठ से ली गई कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, इन्हें बोलकर पढ़िए और गहरे रंग के शब्दों पर ध्यान देते हुए कोष्ठक में से उपयुक्त शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। ओके, तो आपको आपने भीखू भाई के बारे में जाना। भीखू भाई की आपको सबसे मज़ेदार बात क्या लगी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे बच्चों। तो हम पहला प्रश्न हमने पढ़ा कि आपको कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं, लाइन दी हुई हैं, इनको बोलकर आपको पढ़ना है, और जो वर्ड है जो गहरे रंग में है, जैसे कि इसमें है पत्नी, किस्मत, माली, नवला, इनके ऊपर ध्यान देते हुए आपको कोष्ठक यानी कि ब्रैकेट्स में दिए हुए सही शब्द आपको इसमें भरना है। तो पहला देख लेते हैं। ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा, उन्होंने डैश पत्नी लाभू बेन से कहा। उन्होंने अपनी, ठीक है, अपनी पत्नी लाभू बेन से कहा। बहुत अच्छे, मेरी तो किस्मत खुल गई। देखेंगे पत्नी के साथ अपनी आएगा शब्द इधर, ये जो था, और किस्मत के साथ भी गई आएगा, गया नहीं आएगा। अगला पढ़ते हैं। वहाँ के माली को देखकर उससे पूछा, ये नारियल कितने में डैश। तो इधर शब्द है माली, इसको देखते हुए हम क्या लगाएंगे शब्द, बेचोगे या बेचोगी। बेचोगे। सागर के किनारे एक नाव वाला डैश था, नाव वाला यानी कि बैठा था। ओके, अगला। अरे भाई, एक नारियल कितने में डैश। भाई तो इधर दोगे, ये आएगा इधर दोगे। भीखू भाई डैश छड़ी से टेक लगाकर सोचने लगे, अपनी। लाभू बहन अपने कंधे उचकाकर डैश, खाना है तो जाना है, बोली। अगला। नीचे दिए गए चित्रों के सामने लिखे शब्दों के लिए सही स्त्रीलिंग उन पर चिन्ह लगाइए। ओके, तो नीचे दिए गए जो चित्र हैं इनके सही स्त्रीलिंग पर आपको टिक लगाना है। मोर, मोरनी, बैल, गाय, वीर, वीरांगना, वीर, वीरांगना। अगला देखते हैं। आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। नीचे लिखी पंक्तियों में आए गहरे रंग के शब्दों पर ध्यान देते हुए उदाहरण के अनुसार इन वाक्यों को दोबारा लिखिए। उदाहरण, अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे। इसमें देखेंगे आप, ये जो लाइन आपको उदाहरण दिया हुआ है इसमें भाई लिखा था इधर, इसको डाक किया हुआ है, उसके बाद लिखा है अरे बहन, एक नारियल कितने में दोगी। ठीक है, तो इसका हमने क्या करा, लिंग बदल दिया। चलिए हम देखते हैं पहला। काका, ये कोई पूछने वाली बात है। तो हमें काका का स्त्रीलिंग में इसको बदल देना है, तो लिख देंगे काकी। काकी, यह कोई पूछने वाली बात है।
वाली बात है। ठीक है, अगला। माली ने जवाब दिया, जो पसंद आए ले जाओ। इधर माली है तो इसका मालिन बन जाएगा। मालिन ने जवाब दिया, जवाब दिया, जो पसंद आए ले जाओ, जो पसंद आए ले जाओ। ओके, अब अगला देखते हैं। अगला, यदि यदि भीखू भाई नारियल को ना छोड़ते तो क्या होता? तो आपको लिखना है, यदि भीखू भाई नारियल को ना छोड़ते तो इसके आगे लिखेंगे, तो के आगे आप इधर से लिखेंगे, तो भीखू भाई ऊंट वाला और घुड़सवार जमीन पर नहीं घिरते। तो भीखू भाई ऊंट वाला और घुड़सवार और घुड़सवार घुड़सवार क्या था आगे? घुड़सवार ना गिरते जमीन पर ना गिरते। ओके, अगला, पहले एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे। यदि भीखू भाई नारियल को ना छोड़ते तो भीखू भाई ऊंट वाला और घुड़सवार जमीन पर ना गिरते। अगला प्रश्न, यदि आप भीखू भाई की जगह होते तो आप नारियल कहाँ से लेते? तो इसमें अगर मैं भीखू भाई की जगह होती तो मैं नारियल वाले से लाती। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। अधिक अभ्यास के लिए अभ्यास पुस्तिका के पृष्ठ 69 और 111 को करें। तो बच्चों, आपको इसी पाठ के और अभ्यास के लिए ये जो आपकी वर्कशीट है इससे रिलेटेड और अभ्यास करना है, तो 69 और 111 पेज को करें। आपके मम्मी पापा के लिए एक सुझाव है, संदेश है, बच्चों को बताएं कि विश्व कैंसर दिवस पर वैश्विक कार्यक्रम है। यह प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया के लोगों को कैंसर के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट करना, उन्हें कैंसर के बारे में जागरूक करना व उसकी रोकथाम के लिए प्रेरित करना है। साल 2019 से 2021 तक 3 साल के लिए उसका नारा रखा गया, मैं हूँ और मैं रहूँगा। इसका अर्थ है, यदि इंसान चाहे तो इस बीमारी से लड़ भी सकता है और जीत भी सकता है। तो बच्चों, आप मुझे बताएंगे कि आपने कैंसर के बारे में क्या क्या जाना, ठीक है, वर्ल्ड कैंसर डे के बारे में क्या जाना आपने, और मुझे कमेंट्स में बताएंगे। एंड कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, स्टे होम स्टे सेफ।